हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार राय। अपने इस यूट्यूब चैनल फोरेस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मैं बढ़िया हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आगे का आज का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें छोटी सी एक हमारी यात्रा कह सकते हैं, सीतापुर के करीब, इटौजा के करीब एक गाँव है, जहाँ अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉग हमने बनाया था, जिसमें एक लड़का है जिसका तिलक कार्यक्रम था। उसकी आज एक्चुअली शादी है, जिसको अटेंड करने के लिए आज मैं लखनऊ से यहाँ से निकल रहा हूँ। और गाड़ी में भी चूंकि सीएनजी नहीं थी, तो ये देख लीजिए सीएनजी पंप है बगल में, यहीं पे जो है लिया जा रहा है सीएनजी। और यहाँ से इसके बाद फिर निकलेंगे, हमारे छोटे साले साहब हमको अटेंड करेंगे साथ, और उसके बाद फिर आगे का फिर दिखाते हैं आप लोगों को कार्यक्रम क्या है। और उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा होगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा आप लोगों का सहयोग साथ जरूर चाहिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूरी है। ठीक है, आगे मैं और डालता हूँ। ये सीतापुर हाईवे, लखनऊ से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, और इसके गांव पहुंचने में थोड़ा अभी समय लगेगा। जैतपुर गांव है इटौजा के बगल में, बाबागंज बाजार के पहले पड़ता है उसका घर, उसी के गांव पे हम लोग पहुंच रहे हैं। आज इसकी बारात है, पहुंचना है उसको दूल्हे के रूप में, गाड़ी में बैठाना है, साथ में उसको पहुंचाना है उसके ससुराल। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, क्या किया जाए, जाना जरूरी है। बाकी आगे का और रिव्यू आपको दिखाते हैं। पहुंच रहे हैं, रास्ते में एक जगह हम लोग रुके, तो सोचा कि आप लोगों को व्यू दिखाया जाए। देखे कितनी प्रकृति की अच्छी लीला है, इतना बढ़िया मस्त जो है हरियाली चारों तरफ जो है ये गाड़ी ये है, और कितना अच्छा व्यू है पीछे। देखिए चारों तरफ क्या हरियाली है, कितना आनंद आ रहा है। देखिए गांव की ये लोकेशन एंड पोजीशन देख सकते हो। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से आगे, बारात की तैयारी भी करनी है। दूल्हा इंतज़ार कर रहा है बहुत देर से कि अभी अंकल जी आए नहीं, तो बस पहुंच रहे हैं। अंकल जी बेटा तुम तैयार रहो फटाफट। बच्चे लोग गाड़ी सजा रहे हैं, कहिए प्रभु क्या हाल चाल। अरे ठीक है। Thank you.
एक जगह है यहाँ पे मनवा चौकी बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। दुल्हा मेरे साथ देखिए बैठा हुआ है, झकास राजा बने बिल्कुल जो है। हाँ, और पीछे इनकी भाभी जी हैं और इनकी क्या मौसी हैं। और इधर एक लोग और छिप रहे हैं, खैर जाने दीजिए इनका क्या बताया जाए। और एक बेटा है बैठा हुआ। हाँ, रात भर हमारी देख रेख करना है तुमको, ठीक? सोना नहीं बोलना। हाँ, सोना नहीं बिल्कुल, ठीक है। और आवाज बारात की तैयारी है, बारात तो निपटानी ही है। अब कह रहे हैं भाई साहब कि रुकना पड़ेगा, हम तो भागने की इच्छा है। कह रहे हैं दुल्हन विदा करा के ही लौटना पड़ेगा, देखते हैं क्या हो सकता है। सुबह लेट करेंगे ज्यादा तो हम भाग लेंगे रात में। मजा आ रहा, बारात का आनंद आएगा। बहुत मजा आ रहा है छोटकन के शादी में भैया, देख लीजिए क्या क्या आनंद आ रहा है। सुबह हम लोग बारात से निकल के इधर घूमने आ गए, देख रहे हैं कितना बढ़िया इलाका। सामने ये भैरव बाबा का आश्रम गेट है, उसी के बगल में मंदिर है, यही हम आते हैं बराबर। अच्छा व्यू है गांव का, खेतों का, थोड़ा सा दिया जाए। कटहल का पेड़ कितना पुराना है आप देखिए, तमाम कटहल इसमें इस तरह के लगे हुए, क्या बात है, इस तरीके से आम के जैसे बिल्कुल चारों तरफ। बहुत पुराना पेड़ तीन क्विंटल कटहल इसमें से निकल चुका है।
और तुम्हारा नाम बताओ? अभिराज। अभिराज, अभिराज यादव, गजब। पीछे ये लोग बैठे हैं, विदाई करा के चल रहे हैं भैया, बाकी साथ में दूल्हे राजा और पप्पू। अच्छी है, जय हो प्रभु। ये आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त भीड़ है रास्ते में आते समय विदाई कराने के बाद। देखिए कितना बढ़िया सीनरी है यहाँ की। अच्छा व्यू है, देखिए कितना मज़ेदार मस्त, बीच में अच्छा खासा देख सकते हैं। यह पुल है, पुल के बगल में ये नदी है। रास्ते का व्यू है आते समय छोटकन की विदाई करा के, बहुत मज़ेदार सीनरी लगी, तो हमें लगा कि एक वीडियो बना लेते हैं जो है। बारात विदा करके बस अब हम लौट रहे हैं, बाकी आगे की वीडियो और दिखाएंगे आगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।